खबर पांडना से। केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में मोटर अधिनियम में बदलाव किया गया है। इस नए कानून में बताया गया है कि जिसमें कहा गया है कि ट्रक ड्राइवर द्वारा यदि वाहन चलाते समय किसी प्रकार के एक्सीडेंट में यदि किसी की मौत हो जाती है तो गाड़ी चालक के लिए 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने की बात कही गई है। इसका विरोध में सभी ड्राइवर देशव्यापी हड़ताल पर आ चुके हैं और वे इस कानून का कड़ा विरोध दर्शा रहे हैं। जगह जगह चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो चुकी है। ड्राइवर एसोसिएशन का कहना है कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। मोदी सरकार के राज्य में यदि ऐसा ड्राइवर पर अत्याचार होगा तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। ऐसे ही विरोध नेशनल हाईवे क्रमांक 47 पर देखने को मिला, जिसमें गाड़ी चालकों का कहना है कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन यह कानून वापस होना चाहिए। कोई गैस सिलेंडर नहीं पहुंचेगा, तब जाके मालूम पड़ेगा सरकार को कि हां क्या ड्राइवर क्या चीज होती है और देश को भारी नुकसान होगा। जब अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, जब सरकार को मालूम, मोदी जी से यही निवेदन है, अमित शाह जी से, कि भैया ये कानून वापस लो, तब जाके हमारा वापस हड़ताल खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी, चाहे उससे फिर जनता को। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या मांगे आपकी? भैया ये जो अभी नया कानून लाया है, इसमें कि बाबा अपन एक्सीडेंट करते हैं और अपन जो पेशेंट है, जो एक्सीडेंट जिसका हुआ उसको छोड़ के भागते हैं, तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, ये तो हमें मंजूर है, हम मंजूर है, हम रुकेंगे। पर इनकेस उसकी गलती से हम एक्सीडेंट होता है, हम उसको बचाने के रोकते हैं, पब्लिक जो हम पे अटैक करेगी उसकी सेफ्टी का क्या? हमारी सेफ्टी कहाँ है? हमारा परिवार क्या करेगा? हमारा परिवार तो भूखा मर जाएगा। आपकी सीधी सी मांग ये है कि कानून को वापस लिया जाए। ये काला कानून बंद किया जाए। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक पूरी तैयारी में। खबर भारतवर्ष के लिए पांडना से प्रशांत माहुरकर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।